आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक में का, क्योंकि हमें है हक बेवाक कहने का। मुश्किल है जैसा ये लोग चाहेंगे मेडल कमाती है जो भाजपा के लोग चाहेंगे, जो मोदी सरकार के लोग चाहेंगे। अभी एक और बात आया था, आप लोगों को मालूम होगा, करते करते नहीं थकते, लेकिन जब वो बेटियां सबूत सहित अपने संघ के अध्यक्ष पे गंभीर आरोप लगाती हैं और उस सरकार के द्वारा व्यक्ति को संरक्षण दिया जाता है, तो खेल जगत के जो प्रत्येक व्यक्ति है उनके मन में एक दुख पैदा होता है। खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी का कोई दल नहीं होता, खिलाड़ी का कोई फर्क नहीं होता, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, फिर चाहे किसी शहर का हो, किसी देश का हो या देश के किसी भी कोने का हो। आज विश्व का खेल जगत देख रहा है कि भारत देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिनको खिलाड़ियों के मान सम्मान की चिंता नहीं है। एक माह से हमारी वह ओलंपियन खिलाड़ियां अपने ऊपर हुए शोषण के लिए संघर्षरत है, प्रमाण दे रही है, लेकिन उनके संघ का जो अध्यक्ष है बस खेलिया कर रहा है, ऐसी जी मजाक की बातें कर रहा है। और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उस पे हमारे बीच में साफ तौर पे इस बॉक्सिंग के सरकार है, खेल खिलाड़ी रहे राष्ट्रीय स्तर के श्री रवि पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी स्वागत अभिनंदन। बॉडी बिल्डिंग संघ के सचिव भाई सचिन यादव जी का भी हार्दिक स्वागत, एडवोकेट प्रशांत चौरसिया, यहाँ पर हम लोगों ने खेल और हॉकी कोच सतीश, संघों को आमंत्रित कर हमारे भाई अरुण पवार जी, उनके समर्थन सैन जी ने लिया है, राजेश पटेल जी, इस देश की राजनीति को कलेक्टर के माध्यम से कि शीघ्र अति शीघ्र पंकज कुशवाहा जी वॉलीबॉल के राष्ट्रीय कोच, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष किशोरी की जाए और खलीफा जी को, किशोरी लोधी जी जो कि कुश्ती संघ के जबलपुर के अध्यक्ष भी है, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करें। हमारी रेलवे की है और उन्होंने जो कदम उठाया है, खेल प्रतिभा कैसे निकल कर कोई ऐसा ही नहीं बैठ सकता, वो एक देश की सम्मानी नागरिक है, उन्होंने देश के बलबती बनाना पड़ेगा और देश के बनाने के लिए सिर्फ हम खेल से जुड़े लोग नहीं बनता, संघर्ष कर समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और आगे आकर के इसके साथ करने जी। आप ये बताइए 15 रुपए का मेडल कहाँ मिलता है, मैं भी जाके खरीद लाऊ और जिसका की हर ओर से अच्छा काम किया है, एक विकसित समाज की ओर हम अगर बढ़ रहे हैं तो उस विकसित समाज में आज अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरीके से लोग जुड़े हुए हैं और हर कोई अच्छा से अच्छा करना चाहता है, नहीं होगा हम उसके साथ है। और फिर तो आज आप लोगों ने बैठेंगे जो एक धरना प्रदर्शन रखा है कि जो ब्रजभूषण जी पूरे उनको मन से उसका समर्थन, जय भारत। जबलपुर कॉर्पोरेशन जबलपुर से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी हमारे बीच में क्रिकेट के सितारे रहे और हैं, सम्मानित श्री अचल सिंह गौर जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मध्य प्रदेश युवा स्पोर्ट के महासचिव दीना ठाकुर जी का भी हार्दिक स्वागत, आदेश पटेल जो कि मिस्टर महाकौशल का खिताब बॉडी बिल्डिंग में जीता, आपका भी स्वागत। रंबल विश्वकर्मा जी, श्रीमती चौहान जी, जिला विकेटिंग संघ के सेक्रेटरी जगदीश रजक जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं आवाज देता हूं हमारे मन्नू पहलवान जी जो कि मध्य प्रदेश में पहला विक्रम अवार्ड कुश्ती में जिन्होंने जीता, मन्नू पहलवान।